केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने सोलन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर एक सवाल के जवाब में शर्मा ने कहा कि वह ज्योतिषी नहीं है और न ही कोई भविष्यवक्ता। हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश की भाजपा सरकार इश्तेहारी सरकार है, जमीन पर हकीकत में कुछ और नहीं है। बेरोजगारी महंगाई से जनता तंग है। केंद्रीय सरकार पर भी शर्मा ने निशाना साधा कि कोविड से जो परिवार बर्बाद हुए हैं उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए था। एक तीखे सवाल का जवाब देते हुए शर्मा ने हिमाचल में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सिर्फ यही कहा कि आई हैव नो आंसर। I have no answers. It is speculative. I will not give any response to such questions. सर, उनको किस तरह देखा जाए सर? मैं अपने घर आया हूँ, शिमला मेरा घर है, वहीं पैदा हुआ था, यहीं से सांसद हूँ। मैं कोई पर्यटन के लिए थोड़े आया हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ था 1953 में। मैं यहाँ से 1984 में पहली बार सांसद बना और आज भी हिमाचल से MP हूँ। तो इसमें तो प्रश्न सर जैसा कि पंजाब में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कितना कर पाएगी इलेक्शन? देखिए, मैं ना ज्योतिषी हूँ ना भविष्यवक्ता। ये आप दावे किए जाते हैं, आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा मैं कोई मैं देखिए आपकी तरफ से क्या है? देखिए बेटा, मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं, ये आपको पंजाब में जाके सर क्या आनंद शर्मा इस बार हिमाचली चुनावी दंगल में उतरेंगे? मैं तो हमेशा होता हूँ, चुनाव प्रचार करता हूँ। क्या चुनाव भी लड़ेंगे? चुनाव प्रचार करता हूँ, मतलब कैंपेन तक। किसके अलावा कुछ नहीं। सर, किस तरह देखता है कांग्रेस को आप इसमें हिमाचल में, कि आने वाले समय में किस तरह आएगी? कि अभी भी हिमाचल में बदलाव होगा, लोग परेशान हैं, महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, समाज का कोई वर्ग नहीं है जो इससे पीड़ा ना उठा रहा। बहुत बड़ी चोट गरीबों पे हुई है और इस सरकार केवल बात और इश्तेहार की बात करती है, प्रचार की और विज्ञापन की। जमीनी हकीकत बहुत अलग है। ये सही है कि कोविड महामारी से भी बहुत नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था को, देश की, दुनिया की, तो कोई भी हिस्सा उससे छूटा नहीं। पर जितनी राहत दी जानी चाहिए थी वो दी नहीं गई। जो परिवार बर्बाद हो गए, जिनके लोग परिजन चले गए दुनिया से, बच्चे अनाथ हो गए, उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। 50,000 रुपये मैं उसको पर्याप्त नहीं मानता। NDA में एक्ट में 4 लाख मुआवजे की बात। चलो, सोलन से आपका फैसला के लिए ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।